हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप चाहते हैं कि आपके वीडियो भी वायरल हो, तो मैं आपको एक ऐसा सलूशन बताऊंगा जिससे आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो चीज़ों को बताऊँगा उसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर उन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो 100% आपका जो वीडियो है वो वायरल होगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अभी जो न्यू यूट्यूबर हैं उनको मालूम नहीं होता है वीडियो वायरल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं वो आपको ऐसा कोई फॉर्मूला बताते नहीं है, क्योंकि वो यार कोई क्यों चाहेगा कि हम अपनी जो सीक्रेट चीज़ है वो आपको बताएं। ठीक है, आज की डेट में अगर बात करें तो दोस्तों, जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, एक दूसरे से इतना मतलब हेट करते हैं, कुछ पूछो मत। हर एक यूट्यूबर जो है नहीं चाहता कि हमारे से आगे कोई दूसरा यूट्यूबर बढ़े। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जो हमारे ट्रिक्स हो रहती हैं, जो सीक्रेट्स रहते हैं, वो हम शेयर नहीं करते हैं दूसरे यूट्यूबर्स के साथ में। ठीक है, लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये तरीका, अब अगर आप यूज़ कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये होती है, जब आप अपना वीडियो बनाइए तो क्लियर कंटेंट बनाइए, यानी कि वीडियो में वॉइस वगैरह अच्छी होनी चाहिए, प्लस जो है और जो है आपकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है, जो आप वीडियो क्रिएट कर रहे हो, एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करें, तो जैसे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है या लेटेस्ट कोई न्यूज़ आती है, जैसे जियो अपने ऑफर्स निकालता है या वोडाफोन, एयरटेल, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो उन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखते रहिए। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं न्यूज़ वगैरह के, जो आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो वो उन सब चीज़ों को इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, और आपको जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है आपको ज़रूर उसका जो है आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसी के ऊपर आप जाइए जो है अपना फेस, यानी कि आप खुद को दिखाने की कोशिश करिए अपने, जैसे कि मैं अभी फेस के वीडियो बना रहा हूँ ना, इसी तरह से एक वीडियो में लोगों को एक्सप्लेन करिए। ठीक है, हाँ, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके अगर लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो लोग उतना मोटिवेट नहीं होते हैं जितना कि फेस के वीडियो से, क्योंकि फेस के वीडियो से क्या होता है, एक जो आपके ऑडियंस हैं उनको एक बिलीव हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है आपके ऊपर कि हाँ, इस बंदे को मैं देख रहा हूँ और ये भरोसा करने के लायक है। ठीक है, ये सारी चीज़ है, और ये तो हो गई दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ ये है कि आप टाइटल और टैग और डिस्क्रिप्शन, यानी कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, ये तीन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर टाइटल की बात करें तो आप गूगल में जाइए, गूगल में जाने के बाद जिस टॉपिक पे आपका वीडियो है, यानी कि जिस लेटेस्ट अपडेट पे आपका वीडियो है, उसको ही उसका जो एक कीवर्ड रहता है वो डालिए गूगल में, उसके नीचे सर्च लिस्ट में बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। ठीक है, उसको आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आप जो है उसको दूसरी जगह पेस्ट करके आप जब वीडियो अपलोड करें, यानी कि YouTube के ऊपर जब पब्लिक करने का टाइम रहे, तो वहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिए। उसी तरीके से आपके टाइटल से मैचेबल जो है डिस्क्रिप्शन लिखिए, और कोशिश करिए अपने डिस्क्रिप्शन में उसी रिलेटेड बहुत सारे वर्ड लिखने की, ज़्यादा से ज़्यादा जितना लिख सकें उतना लिखिए। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी चीज़। अब चौथी चीज़ ये होती है टैग्स। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दोस्तों वीडियो वायरल करने में, क्योंकि टैग जो होते हैं ना वो सर्च कीवर्ड्स में जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ऐसी उस वक्त में क्या होता है, आपको टैग्स बनाना अगर नहीं आ रहा है तो बहुत सारे ऐसे जो है आप जाइए गूगल पर ही जा कर के जो है, जब आप कोई चीज़ डालते हैं, जैसे मान के चलिए जियो का कोई ऑफ़र आ गया 299 का। ठीक है, तो जियो न्यू ऑफ़र 299 जैसे ही डालेंगे ना, उसके नीचे पूरी लिस्ट जिस जहाँ से आपने टाइटल निकाला है ना, उसी के नीचे बहुत सारे जो है और भी कीवर्ड्स आ जाते हैं, उनको सबको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद उनको दूसरी जगह पेस्ट करके आप जो है अपने टैग्स में डाल दीजिए। ठीक है, हाँ, एक चीज़ का और ख्याल रखना है, टैग ज़्यादा नहीं डालने हैं। ठीक है, और जिस टॉपिक का वीडियो है उसी टॉपिक के आपको टैग डालने हैं। अगर आप दूसरे टॉपिक के टैग डालेंगे तो आपका वीडियो जो है सर्च में नहीं आएगा, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिदम है वो हर एक चीज़, टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन तीनों मैच करता है। जब उसको मैच हो जाता है तभी वो आपके वीडियो को रिकमेंड, सजेस्ट और सर्चिंग लिस्ट में डालता है। ठीक है, तो ये तीन ऐसी चार चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छे वीडियो बनाइए, और ये मत देखिए कि हमारा सेटअप अच्छा नहीं है, सेटअप के चक्कर में मत पड़िए, सेटअप कोई नहीं देखता आपका। ठीक है, अगर कोई देखता है तो आपके द्वारा बताई गई बातें, यानी कि आप जिस चीज़ को सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें बताए हुए वर्ड्स, जो चीज़ आप एक्सप्लेन करते हैं ना, उससे जो ऑडियंस है वो सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑडियंस को अच्छा सेटिस्फाइड कर लेंगे तो आपको एक सक्सेस यूट्यूबर बनाने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, और वीडियो आपकी 100% वायरल होगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा देर तक आदमी जब आपकी वीडियो देखेगा
कोई भी यूट्यूबर हो चाहे कोई ऑडियंस हो, अगर आपकी वीडियो को देखेगा वॉच टाइम अच्छा आएगा और आपकी वीडियो ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये 304 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और बहुत अच्छे से इनको देखना है। और स्पैम वगैरह बिल्कुल भी मत यूज़ करिए, स्पैम यूज़ करेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। और दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो है मैं आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।